अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अम्यूज़र स्टूडियो की तरफ से मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ीशान अमजद। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सीरीज, जिसमें हम हुंजा का सफ़र करेंगे। जब बाबू सर टॉप बंद हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहां से सफ़र करना है। फिर हम सफ़र करेंगे हज़ारा मोटरवे से सीधा ठाकोट से फिर बिशाम, और बिशाम के रास्ते चिल्लास, और चिल्लास से होके हम हुंजा जाएंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बिशाम। यहाँ पर सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बज चुके हैं, और यहाँ पर अब हम नाश्ता करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर नाश्ता करने का कौन सा बेहतरीन पॉइंट है बिशाम में। यहाँ पे एक होटल है बिशाम में, रमादा होटल। यहाँ पे बुफे सिस्टम होता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे नाश्ता होता है। तो चले आए होटल के अंदर, चलते हैं और नाश्ता करते हैं, और उसके बाद अपना हुंजा का सफ़र जारी रखते हैं। और ये है रमादा होटल बिशाम में, और ये यहाँ पे देखें बुफे सिस्टम है। देखते हैं इनके पास क्या क्या खा लो। अच्छा, ये चने, ये पराठे हैं, और ऑमलेट, और इसमें भी चने, और इसमें ये हो गई स्वीट डिश। और इनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स, ये इनका सीटिंग अरेंजमेंट्स है, दिस वन, एंड ये इनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स है, जहाँ पे आप बैठ के अपनी मर्ज़ी से खाना खा सकते हैं। देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें मैं लिया हूँ। तो चलिए अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं चने ट्राई करता हूँ। मतलब ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त है। उसके बाद ये ऑमलेट ट्राई करते हैं। ऑमलेट ये देखें, मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। ऑमलेट यहाँ का बेहतर है, तो इसलिए मैं चने छोड़ के ऑमलेट ट्राई कर रहा हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन जगह है, यहाँ पर आपको बुफे सिस्टम में खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, जहाँ मतलब जो मर्ज़ी चीज़ आप पर हेड के हिसाब से होता है इनका खाना, 280 के हिसाब से, 250 के हिसाब से, जैसे जैसा आप बेहतरीन उनको कहते हैं कि हमारा बुफे सिस्टम कर दें, उसके लिहाज से आपका जो है वो रेट हाई होता रहता है। तो बहुत ही अच्छा है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप शाम के रास्ते से आएँ तो सबसे पहले यहाँ पर नाश्ता करें, और उसके बाद अपना सफ़र आगे का जारी रखें। तो चलें नाश्ता कर लें, उसके बाद हम अपना सफ़र जारी रखते हैं हुंजा का। बिशाम से चिल्लास के रास्ते में एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं समरनाला। यहाँ पर हर कोई लाजमी ही रुकता है खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोपहर आपको हो जाती है, तो खाने के लिए यहाँ पर हर कोई रुकता है। और यहाँ का जो सेटअप है बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब कि इनका खाना बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर इनकी जो यखनी और जो इनका कीमा है, वो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो चले आए देखते हैं इनके पास क्या क्या खाने को, तो उसके बाद हम अपना खाना खाएँगे और फिर आगे चिल्लास का सफ़र जारी रखेंगे। सब्जी, ये आ गया बीफ, ये आ गया दाल माश, दाल माश आ गया, ये आ गया फ्राई गोश्त, और आपकी स्पेशलिटी
तो चलें ट्राई करते हैं इनका खाना। ये है जो इनकी स्पेशलिटी रोश भी कहते हैं जिसको, है ना, हड्डी वाला गोश्त भी कहते हैं, रोश भी रोश नहीं कहते, हड्डी वाला गोश्त जिसको कहते हैं। तो चलिए इनका खाना ट्राई करते हैं। ये आ गया सामने पुलाव, चलें थोड़ी थोड़ी इनकी सारी आइटम ट्राई करते हैं। हाँ जी खाना आ चुका है, ये क्या माश की दाल, चने, फेवरेट यखनी, ये कीमा, क्या ये फ्राई गोश्त, और ये पालक। थोड़ी थोड़ी आइटम्स हमने सारी बनाई हैं ताकि हम सब चीज़ों का टेस्ट कर सकें। गर्म रोटी, ओए होए 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 होए, सबसे पहले मैं ये ट्राई करूँगा, फ्राई गोश्त यहाँ का फेमस। लाजवाब लाजवाब। उसके बाद दाल माश, बेहतरीन। यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ ताकि मुझे गर्मा गर्म रोटी मिल सके तंदूर की, और ये फेमस आइटम ये साथ इसमें अपने डिप करना। ये कमाल हो गया, समन नाले का खाना बेस्ट इन द वर्ल्ड, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलें हम खाना खा के उसके बाद अपना सफ़र आगे का जारी रखें, आप उतनी देर एंजॉय करें। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम चिल्लास से हुंजा के लिए निकल चुके हैं। रात को काफ़ी लेट नाइट हम लोग चिल्लास पहुंचे और कैमरे की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, और आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन है। अब ये हम पहुंचे हैं तत्ता पानी पे, पहुंच चुके हैं जी, पहुंच चुके हैं। कमरों में तो मिला नहीं कमरों में ठंडा पानी, और यहाँ पे तत्ता पानी। वाह वो देखो, वो पानी में से स्टीम निकल रही है, और ये हम लेके आए हैं अंडे, वो आगे देखें। ये हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, वो नीचे गिर रहे हैं, नहीं हो जाएंगे आराम से, सारे रख देना, नहीं पानी पे अंडे रख दिए हमने।
नंगा पर्वत व्यू पॉइंट पे इसका हमने थोड़ा स्टे किया और वो पहाड़ों के पीछे ये जो आपको बादल नज़र आ रहे हैं इसके पीछे नंगा पर्वत है। अनलकी हैं हम क्योंकि हम देख नहीं सकते और ये यहाँ पे देखें कितनी रौनक लगी हुई है। मौसम काफ़ी क्लाउडी है हमने सोचा क्यों ना फिश खाई जाए और दरिया के किनारे खुद बनाकर खाई जाए, ज़्यादा मज़ा आता है। अभी यहाँ पर हमें एक सेब का दरख्त मिला तो हमने सोचा कि क्यों ना सेब थोड़े से तोड़ लिए जाएं रास्ते में खाने के लिए। ये देखें हमारा पार्टनर ऊपर चढ़ा हुआ है सेब तोड़ने के लिए। ये देखें ज़बरदस्त, कितना ही ज़बरदस्त, और ये दरख्त बिल्कुल भरा हुआ है। ये देखें और ये हमारा क्राइम पार्टनर यहाँ से सेब तोड़ रहे हैं और हम यहाँ पर जमा करते जा रहे हैं। तो चलें सेब तोड़ के उसके बाद हम आगे निकलते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह सांस भी चढ़ गया और कितने ज़्यादा सेब हमें तोड़ना ताकि हम एंजॉय कर सकें सारे रास्ते। जी व्यूअर्स, और अब ये देखें ये सेब, हम लोग यहाँ पे सेब धोएंगे जो हमने पीछे से सेब तोड़े थे। तो चले मैं यहाँ से जाकर अभी सेब धोता हूँ। दरिया में सेब धोने का अपना ही मज़ा है क्योंकि ठंडा ठंडा पानी होता है दरिया का। यहाँ से देखें ये देखें ये सेब, इसमें पानी डालूँगा मैं, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, ये देखें ये थोड़ा और ये थोड़ा करीब से देखें ज़रा, इसमें मैंने पानी डाला है ये सेब, और थोड़ा सा इसको ऐसे हिलाऊंगा मैं ताकि अच्छी तरह जो सेब है वो धुल जाए, ठीक है, और उसके बाद ये पानी मैं निकाल दूँगा। ये पानी मैंने निकाल दिया और अब देखें ये देखें माशाल्लाह, ये थोड़ा मैं करीब आ जाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सेब है लाल, इसको चेक करते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, इतना ही मज़ेदार और इतना मीठा सेब है, और इस दरिया में धोया हुआ ठंडे पानी से धोया हुआ सेब तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। एक और बैठ लूँगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सेब, चलो ऊपर चलते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। ये देखें दरिया कितना ही खूबसूरत लगता है, ये इसका पानी और दरिया की जो आवाज़ है वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये यहाँ से मैं नीचे आया हूँ जहाँ से ये लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो चलें हम भी ऊपर वापस चलते हैं जहाँ से हम आए थे। आखिरकार हम सेब धोने में कामयाब हो ही गए, बड़ी मुश्किल से हम लोग नीचे गए दरिया के पास ये सेब धोए। बेसिकली यहाँ पे रुकने का एक मकसद था क्योंकि ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ओल्ड सिल्क रोड। ये आप मेरी राइट साइड पे ही ये जो रोड आप देख सकते हैं वो जो ऊपर छोटे छोटे पत्थर जो है रोड है वो यहाँ पर पुराना सिल्क रोड था पहले। अब तो ये कराकरम हाईवे KKH बन गई, पहले हुंजा अगर आपने जाना होता था तो आप ये रोड इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब तो माशाल्लाह KKH बना दी है जो हमारे CPAC में भी शामिल है। और यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा मज़ेदार इस पॉइंट की है ज़बरदस्त, वो ये है कि वो सामने आपके राकापोशी नज़र आती है। वो राकापोशी का आप ज़रा क्लोज़अप थोड़ा व्यू लेके देखें,
बहुत ही ज़बरदस्त ये राका पोछी लग रही है। और अमूमन ज़्यादातर लोग इधर नहीं रुकते, ठीक है, उनको ज़्यादातर तो पता ही नहीं होता कि ये जो साइड पे रोड है ये ओल्ड सिल्क रोड है जहाँ पे पुरानी आमदोरफ्त चलती रहती थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको अपनी वीडियो में शामिल करें ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और एक चीज़ और है, आपको मारकोर का यहाँ पे निशान दिखाऊंगा, मारकोर नहीं दिखाऊंगा, हमने बहुत कोशिश की मारकोर ढूंढने की लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था। तो चलें मारकोर का निशान भी दिखाऊंगा। और एक चीज़ आपको थोड़ी सी मैं जूम करके दिखाऊंगा कि ये रोड की हालत देखें कितनी खस्ता है, वो वहाँ पर देखें, वो वहाँ पर ऊपर अगर आप लोग थोड़ा सा मैं जूम करके देखें, वो वहाँ पर एक ब्रिज आपको नज़र आएगी जो इतनी ख़तरनाक है। ये पुरानी सिल्क रोड में इस्तेमाल होती थी। तो हर तरफ पहाड़ी पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ है और साथ ही ठंडे पानी में धोए उसे बहुत ज़बरदस्त नज़ारा पेश करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मारकोर, ओरिजिनल नहीं लेकिन मारकोर का निशान मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ हमें मारकोर लाजमी मिले। तो चलें अपना सफ़र जारी रखते हैं। इस जगह को राकापोशी व्यू पॉइंट कहते हैं और ये है राकापोशी माउंटेन जिसका मतलब है बर्फ से ढका हुआ। इसको दोमानी भी कहा जाता है जिसका मतलब है मदर ऑफ क्लाउड्स। अब यहाँ से हम सीधा हुंजा जाके स्टे करेंगे। इस वक्त हम हुंजा में मौजूद हैं और सुबह सुबह का ये नज़ारा बहुत ही दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है। ये सामने पहाड़ों पर बर्फ़ के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और आज हमारे सफ़र का तीसरा दिन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माजरत करूंगा क्योंकि मेरा जो गला बहुत ज़्यादा बैठ चुका है, उसकी वजह यह कि हम लोगों को बिशाम के रास्ते से हुंजा आना पड़ा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब था और बहुत ज़्यादा डस्ट थी और मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है। आज की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प होने वाली है, वो इस वजह से क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे हुंजा वैली। और इस समय मैं हुंजा में मौजूद हूँ और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर, मतलब कह लो कि बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे अताबाद लेक जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लेक है और बहुत बड़ी लेक है पाकिस्तान की। सुबह के 8 बज चुके हैं, मॉर्निंग हो चुकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना जाने से पहले यहाँ का हुंजा का जो मॉर्निंग व्यू है वो लिया जाए और नाश्ता कुछ एक ऐसी चीज़ से किया जाए जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। चले मैं आपको बताता हूँ कि मैं नाश्ता किस चीज़ का करने लगा हूँ और आप लोग भी मेरे साथ देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं किसी के बाग में घुस गया हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह नाश्ता करना है। नाश्ता मेरा ये नहीं होगा ब्रेड ऑमलेट, नाश्ता मेरा होगा ये हुंजा के मज़ेदार सेब जो कि देखें मैं अपने हाथों से तोड़ के खाऊंगा। और ये देखें माशाल्लाह कैसे सेब लगे हुए हैं, वाह ज़बरदस्त। यहाँ से मुझे कुछ अच्छा व्यू नहीं मिल रहा तो चलें नीचे जाके देखते हैं। ये देखें वो और ये सेब का दरख्त देखें, वाह ज़बरदस्त क्या नज़ारा है जी। ये कितने ज़बरदस्त सेब हैं लेकिन थोड़े थोड़े से ना अभी कच्चे हैं, तो चलें आगे देखते हैं। वाह 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 और ज़बरदस्त है, ये देखें ज़बरदस्त कितना ही ज़बरदस्त है ये बाग, सॉरी दरख्त बाग तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये है कि फ्रेश सेब फ्रेश एप्पल्स ज़बरदस्त खाने को मिलेंगे।
तो चले देखते हैं तोड़ के इसको, ये कितने फ्रेश है। ये देखेंगे ये फ्रेश है, पर इसको थोड़ा साफ कर लिया जाए। इससे अच्छा नाश्ता आपको कभी ज़िंदगी में मिलेगा नहीं। थोड़ा सा मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ, और ये देखें थोड़ा सा साफ़ करने से कितना चमक गया ये। तो चलें इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये इस दरख्त का ये सेब है, हुंजा का सेब है। ये देखें ये इधर यहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार है। मेरा तो आज का यही नाश्ता होगा, यही नाश्ता करके हम आगे चलेंगे। ये जो सेब है ये पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बेहतरीन सेब है, हुंजा का। ये बहुत कम पंजाब में मिलता है, ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही होता है ये वाला सेब। और चलिए जी, मेरा तो आज का नाश्ता हो गया, तो अभी चलते हैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो चले आए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस टाइम हम अताबाद लेक पर आ चुके हैं, और यहाँ पर अताबाद लेक का सीन ही कुछ ऐसा है, लाजवाब सीन है, क्योंकि अभी नवंबर का मिड है और मुझे तो ये लगा था शायद सर्दी होगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुंजा में हमारा होटल था गणेश में, तो वहाँ पे सर्दी थी, रात के टाइम काफ़ी सर्दी थी, -2 टेम्परेचर था। लेकिन यहाँ पर सीन ही कुछ ऐसा है यार, सर्दी है, गर्मा गर्म धूप, और ये जो बोटिंग अभी यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और जो यहाँ पर रश है, मैं हैरान कि नवंबर में मिड में भी यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है, लाजवाब सीन है। तो चले हैं नीचे जाके देखते हैं बोटिंग। और ये शॉप है जहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें आपको इजीली मिल सकती हैं। चले अंदर देखते हैं क्या क्या खाने को है। यहाँ पर ये चिप्स तैयार हो रहे हैं। क्यों भाई जान? जी भाई। क्या क्या मिलेगा खाने को? खाने में बिरयानी मिलेगा, पास्ता वगैरह, चौमन वगैरह, और पकोड़ा, चिप्स, चाय, कॉफ़ी। अच्छा ठीक है, बिरयानी ये तैयार हो रहे हैं। और यहाँ से हर चीज़ आपको, बिरयानी, पास्ता, फ्राइज आपको इजीली मिल सकते हैं। यहाँ पे सीन देखें कितना फिट है, और यहाँ पे जी ये बोटिंग की बुकिंग होती है, और रेट्स देखते हैं क्या रेट्स हैं इनके। ये है रेट लिस्ट इनकी। ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये कर रहे हैं मॉडर्न जेट्स की, ये वाली। यहाँ पर ये बड़ी बोट भी लोग करवा रहे हैं, 16-18% की बोट होती है। वाओ, व्यूअर्स, जो यहाँ पर रश का लेवल चेक कर रहे हैं। लेवल चेक करें कि कितने ज़्यादा रश है इसका। अताबाद लेक पूरा सीज़न
जबरदस्त रहती है। तो आए दो तीन हफ्ते जब यहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है और ये फ्रोजन हो जाती है, बिल्कुल जम जाती है। चलें कि यहाँ पर अभी बोटिंग होगी। अताबाद लेक का इस टाइम नवंबर के मिड में भी बहुत ही अच्छा सीन चल रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पर। सर्दी है लेकिन इस टाइम दोपहर के वक्त यहाँ पर बिल्कुल महसूस नहीं होती, और जब आप इतना एंजॉय करते हो, ये बोटिंग करते हो, तब तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। रेट थोड़े से इन्होंने इस बार थोड़े से रेट ज़्यादा कर दिए हैं। रेट्स इनका ये जो जेट्स की हैं 2% के लिए और 1% के लिए होता है, ये है 7 मिनट की आपको राइड मिलती है 1000 रुपीज़ में, और 7 मिनट्स अगर आप ऊपर जाते तो पर मिनट आपको 150 रुपीज़ पर मिनट चार्ज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिए, पहले इतने चार्जेस नहीं होते थे, पहले ये टाइम लिमिट भी नहीं होती थी, वो भी इन्होंने ज़्यादा कर दिया है। और ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन गर्मियों के मौसम में यहाँ पर सीन कुछ अलग ही होता है। वो कहते हैं ना, सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। और इसके साथ ही हम अभी आगे चलेंगे, और आगे हैं हुसैनाबाद ब्रिज और हुसैनी ब्रिज जिसको भी कहते हैं, और उसके बाद है पासुकोंस। आज के दिन में हमारे ये पॉइंट्स होंगे जो हमने कवर करने। तो चलें, यहाँ पर टाइम ज़ाया किए बिना आगे चलते हैं, आगे जाके हुसैनी ब्रिज और पासुकोंस की तरफ चलते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही ज़बरदस्त है, तो चलें आगे चलते हैं। आ चुके हैं हुसैनी ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये देखें, यहाँ पे गाड़ी आप लोग पार्क करेंगे और यहाँ से अभी हम जाएंगे, ये जो पाथ है दूसरे एंगल से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे कोई 10 मिनट आपको नीचे पैदल वॉक करनी पड़ेगी और उसके बाद आता है हुसैनी ब्रिज। कहते हैं कि इसकी काफ़ी कंडीशन चेंज होगी, लेकिन एक बात और कि यहाँ पे टिकट भी लगी जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन। और अभी हमने बहुत जगह जाना है, टाइम बहुत कम है, तो चलें टाइम ज़ाया किए बिना आगे चलते हैं हुसैनी ब्रिज। तो चलें आए हुसैनी ब्रिज देखते हैं। ये यहाँ से गाँव से आपको गुजर के जाना पड़ता है, और इस टाइम ये देखें ऑटम का कितना ज़बरदस्त सीज़न है, लेकिन हम ऑटम के लिए भी लेट हो चुके हैं। नहीं तो यहाँ पीले पीले पत्ते होते हैं दरख्त पे, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। कुकड़ भी बोलना शुरू हो गए। ये देखें जी, ये मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स हैं, यहाँ से आपको ड्राई फ्रूट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक। ये देखें यहाँ पे जो ड्राई खुबानी यहाँ पे मिल सकती है, चेरी जैम, हर चीज़ यहाँ पर ये खुद बनाते हैं। ये हमजा के सेब, ये यहाँ की फेमस कैप लेडीज़ जेंट्स, और ये यहाँ के पत्थर के लॉकेट्स। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें यहाँ पे आपको हर किस्म का ड्राई फ्रूट मिलेगा, ख़ासतौर पर ये जो सेब है हमजा के, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो चलें आगे चलते हैं, और ये यहाँ से टिकट लेने हैं पड़ता है पुल के लिए। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं जी। ये हो गया, ये यहाँ की टिकट है, ये देखें, ये टिकट लेनी पड़ती है जो कि 100 रुपीज़ की है। अब यहाँ से टिकट हमने ले ली है, ठीक है, और हम आगे जा रहे हैं। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए यार, ये सारा हमारा ग्रुप आ चुका है, और अभी हम नीचे जाएंगे हुसैनी ब्रिज के लिए। और इस दफ़ा तो मैं कोशिश करूंगा भाई आधे आधे से आगे जाने के लिए, मैं पूरा से जाऊंगा। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी, चलें जी बना लेते। और ये है हुसैनी ब्रिज, हुसैनी ब्रिज की यहाँ पे टिकट्स ली जाती हैं। टिकट्स लेने के बाद आपने ये ब्रिज पे आगे जाना है, जो कि आप जा सकते हैं अगर आपकी हिम्मत है। दरिया का लेवल वो नहीं है जो दरिया का लेवल पहले होता था, दरिया का लेवल बहुत कम हो चुका है। तो ये लोग देखें हुसैनी ब्रिज के, मैं तो भाई यहाँ तक जाऊँगा। तो चले हैं यहाँ से टिकट लेने के बाद हुसैनी ब्रिज के लिए आगे चलते हैं। ओके, बिस्मिल्लाह करके जी, कलमा भी पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ये अजीब व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त लेवल है ये हुसैनी ब्रिज का। ये पहली दफ़ा मैं इतनी दूर इसके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सारी फैमिलीज आ रही हैं आज जी। ये बेसिकली हम ग्रुप की शक्ल में हैं, सारी फैमिलीज आई हैं। तो चलें आगे चलते हैं हुसैनी ब्रिज की तरफ। और ये जो सीन है ना तकरीबन, ये मुझे बहुत ही ख़तरनाक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये देखें ये ब्रिज हिलना शुरू हो गया है। और ये व्यू चेक करें, वाह ये व्यू चेक करें हुसैनी ब्रिज का। ये कपल भी चेक करें, वाह। अभी तो कुछ नहीं है इसका लेवल, लेकिन जब यहाँ पर पानी होता था तब ये बिल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक ब्रिज लगता था। इस समय हुसैनी ब्रिज के दरमियान में खड़ा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि ये ब्रिज इसलिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि दरिया का जो लेवल है बहुत ही कम है। और कोशिश तो मेरी यही पूरी होगी कि मैं हुसैनी ब्रिज क्रॉस करूँ। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं बंदा ही ऐसा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि मेरे चैनल म्यूज़र स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम करता हूँ। देखें ना ये ब्रिज हिल रहा है, सब्सक्राइब तो बनता है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। ये देख क्या व्यू है यहाँ पर, हुसैनी ब्रिज, पानी, दरिया, पासुकॉन्स, वाह ज़बरदस्त, क्या लेवल है। और यहाँ का इधर का भी नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है। फाइनली हुसैनी ब्रिज हमने क्रॉस कर ही लिया। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जब यहाँ पे दरिया पूरा भरा होता है बहुत ज़्यादा, तो आज हमने इसका फ़ायदा उठाया। हाँ करीब आ रहे जाओ पहले। ये देख ये फाइनली हमने हुसैनी ब्रिज क्रॉस कर लिया। चलें नीचे जाके देखते हैं। बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि मैंने हुसैनी ब्रिज क्रॉस कर लिया। और ये यहाँ पर दूसरी साइड पे ये उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्होंने हुसैनी ब्रिज क्रॉस किया। निशान भाई के साथ हमें बहुत मजा आया, वो एंजॉय अ लॉट एंड इंशाल्लाह वी विल अगेन प्लान दिस टूर विद यू पीपल। ओके ओके थैंक यू निशान भाई, आई लव यू निशान भाई, बहुत मजा आया। तो चलें जी। और ये जो जाता है, ये जो आपको पाइपलाइन नज़र आ रही है, बेसिकली यहाँ से पानी की ब्रिज से क्रॉस करके, दरिया से क्रॉस करके पानी लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ये आगे वादी की तरफ जा रहा है। ये वाह ये ज़बरदस्त, वो देखें वो यहाँ वहाँ के ये जो लोग ये जा रहे हैं, ये यहाँ से हुसैनी ब्रिज क्रॉस करके ये वादी है यहाँ पर, एक दूसरी साइड पर पहाड़ की दूसरी साइड पर एक पूरा गाँव है जहाँ पर ये लोग जाते हैं। और ये इन्होंने पत्थर रख रख के अपना रास्ता बनाया हुआ है। पासुकॉन्स की पहाड़ियों के बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो मिलेंगे बिल्कुल पासुकॉन्स आपकी आंखों के सामने, और दूसरा यहाँ से ये एक पॉइंट है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे एंगल से। यहाँ पर एक पॉइंट है वो सामने आपका, उसके पीछे बतूरा ग्लेशियर है, और ये यहाँ से बतूरा ग्लेशियर का ट्रैक शुरू होता है। और पासुकॉन्स के ये जो पॉइंट की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि ये छोटा सा आपको डेजर्ट भी मिलेगा, और डेजर्ट से ये जो बतूरा ग्लेशियर से जो पानी आ रहा है वो नीचे आकर आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्नो भी मिलेगी। वो आगे ज़्यादा है
लेकिन आगे हम जा नहीं सकते कि जो वाइट आपको नज़र आ रही है ये सारी स्नो है। तो अभी हम यहाँ पे नीचे जाके देखते हैं, ये जो थोड़ी सी स्नो है ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको देखिए कितनी ज़बरदस्त है, ये देखिए ये क्रिस्टल आइस है, वाह। चलें वो आगे ज़्यादा है, आगे थोड़ी ज़्यादा है, ये देखो दिखाएं ज़रा सर भाई, एक पीस बड़ा सा पीस पकड़ के दिखाएं, ये देखो यहाँ से पकड़ें, वाह वाह, ये पकड़ें, ये पकड़ें, वाह, ये देखें क्रिस्टल आई है। अब ये देखें, ये देखें वहाँ से देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये मैं कोशिश करता हूँ पूरा आ जाए मेरे हाथ में, ओए हो टूट गया, ये देखें वाह ज़बरदस्त है ये। ये जो दूसरा पॉइंट है ये पॉइंट तश्कील दिया गया, ये ब्रिज है, ये ब्रिज के आपने उस पार जाना है, और ये देखें ये यहाँ पे एंट्री टिकट इन्होंने 100 रुपीज़ दिखाई है, ये सारा इन्होंने बंद किया है ब्रिज से ऊपर जाने का, और ये वो ब्रिज है जहाँ से आप जा सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त ब्रिज है, और इसकी यहाँ पे जो देखें कमाल है यार, ये जो पानी का जो चश्मा होता है बहता है मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, और इसकी आवाज़ पानी की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। गला मेरा काफ़ी बैठ चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, और ये पॉइंट इस टाइम बहुत ही खूबसूरत है, और ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि आप जब भी आएँ इस पॉइंट को लाजमी इन्जॉय करें। यहाँ से बतूरा ग्लेशियर भी आपको, उसका ट्रैक भी आपको मिलेगा, ये जो ग्लेशियर का पानी आ रहा है ये भी आपको मिलेगा, और ये जो पासुकॉन्स मेरे पीछे हैं ये पासुकॉन्स की पहाड़ियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। और चलें इसके साथ ही हम आज का सफ़र जारी रखते हैं और अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ चलते हैं जो कि एक राज है, आगे चलते हैं। जी व्यूअर्स, ये इस टाइम हम सोज में मौजूद हैं, और ये यहाँ का व्यू चलता है, ये लास्ट पॉइंट है, इससे आगे कुंजरा पास के लिए आप जाते हैं, जो कि अगर स्नो फॉलिंग हो रही हो और स्नो ज़्यादा हो तो आप जीप करवा के जा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं। यहाँ पे ATMs भी हैं, यहाँ पे खाने पीने की हर चीज़ है, और ये यहाँ का व्यू चलता है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये देखिए हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। तो अभी यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टे किया है, खाना खाया है, और एक ये पे ब्रिज देखी हमने सोस्त बाज़ार से थोड़ा सा पीछे आबादी की तरफ एक ब्रिज आता है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रिज है, इसके इर्द गिर्द नज़ारा मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये जो दरिया चलता है इसका तो अपना ही नज़ारा है। तो चले आए, ये देखें अभी ये पीछे ये पानी और वो पीछे पहाड़, अब ये इधर से देखें, ये देखें इसका पानी कितना ही ज़बरदस्त इसका पानी है, ये अमेजिंग है, अमेजिंग व्यू है, पहाड़ देखें, स्नोफॉल है, बादल हैं, ज़बरदस्त। तो चलें यहाँ पर चलते हैं। अभी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर ज़बरदस्त दिखाता जाऊँ, जो कि बहुत ही रेयर होती है हमारे लिए, पंजाब से आए लोगों के लिए ये चीज़ बहुत रेयर होती है। बस थोड़ी देर और, बहुत सर्दी है, हाथ कांप रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा सर्दी है, -3 टेम्परेचर इस टाइम। अब ये चीज़ देखें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेयर है, ये देखें इस नाले से पानी आ रहा है, और ये पानी देखें नीचे बर्फ़ जम गई है, ज़बरदस्त ये व्यू चाहते हैं, इसको ऊपर से जाके देखते हैं, ये देखें ये बर्फ़ जमी हुई है ये यहाँ पर, ये पानी आ रहा है, और ये देखें टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि ये बर्फ़ जम जाती है, इसको दूसरी साइड से देखते हैं,
इसको दूसरी साइड से देखते हैं जाके। ये मैं इस टाइम ब्रिज के नीचे आ चुका हूँ। ये ब्रिज का व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो चले आए इसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा सब व्यू है। ये देखो, वाह अमेजिंग, ये बर्फ जमी हुई है। ये देखो, वाह ये देख, ये देख बर्फ जमी हुई है बिल्कुल, मतलब इतना टेम्परेचर कम हो जाता है। ये स्नोफॉल नहीं, ये कम टेम्परेचर की वजह से बर्फ जम जाती है। और उसके बाद अब हम जाएंगे नीचे दरिया के पास, दरिया का नज़ारा देखेंगे। पत्थर ही पत्थर हैं और यहाँ से अभी कोशिश करते हैं कोई रास्ता मिले नीचे जाने का। ये है, ये पत्थर से होके ये इधर, और ये खारदार तारे लगाई हैं मैंने ताकि कोई भी नीचे ना जा सके, पत्थर ना गिर सके। और अमेजिंग ये भी देखें, वो था ब्रिज आपका और ये दरिया। इस दरिया का पानी देखें, इस दरिया का पानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये हमारे महमूद साहब, बुलबुले वाले नहीं दूसरे महमूद साहब। तो चलें चलते हैं आगे, इनसे पूछते हैं यहाँ का मौसम कैसा है, इन्होंने कैसा यहाँ पे फील किया। जी महमूद साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? और सुनाए आपका कैसा रहा ट्रिप, कैसा इन्जॉय किया आपने? बहुत अच्छा इन्जॉय किया माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। इधर सुस्त में भी हैं जी, दरिया के पास बहुत, इधर तकरीबन -2 है, -2 या -3 टेम्परेचर इधर दिखाया भाई ने, साइडों पे फ्री दिखा हुआ है पानी। अभी जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे ये पानी और ज़्यादा फ्री हो जाएगा, होता जाएगा। ये देखें ये सीन चेक करेंगे, ये पानी की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। ये ऊपर से पहाड़ पानी पिघल के, ग्लेशियर का पानी पिघल के यहाँ पर आता है। और एक चीज़ मैं और दिखाऊँ, और एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर भी बर्फ जमी हुई है, जगह जगह पर छोटे छोटे पैचेस आपको बर्फ के लाजमी यहाँ पर मिलेंगे। ये पाथ जाता है खुंजरा पास तक, और ये जो पाथ मुड़ रहा है यहाँ से, ये जाता है मिसगर वैली की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत वैली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में, क्योंकि अभी तो विंटर हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न गर्मियों में हम मिसगर वैली भी जाएंगे। खुंजरा पास की तरफ जाते हुए दो फेमस वैलीज आपको मिलेंगी, एक तो है मिसगर वैली और दूसरी है ये चपुरसन वैली। ये जो चपुरसन वैली का ये जो पाथ है, ये देखें ये वाला पाथ, ये सीधा चपुरसन वैली की तरफ जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वैली है, देखने के काबिल वैली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में, अभी तो विंटर है, नेक्स्ट सीज़न में हम लोग मिसगर वैली और चपुरसन वैली लाजमी विज़िट करेंगे। तो चले मैं आपको इसका थोड़ा सा पाथ दिखाता हूँ और उसके बाद हम आगे खुंजरा पास की तरफ जाएँगे। ये जो आप देख सकते हैं बोर्ड चपुरसन वैली का, ये साथ ही यहाँ से पाथ निकल रहा है, ये चपुरसन वैली की तरफ
जाता है पाथ। ये बहुत ही खूबसूरत वैली, देखने के काबिल वैली है। और यहाँ की थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं इसके बारे में। ये देखें, ये चपुरसन वैली की थोड़ी सी हिस्ट्री है। 100 से ये 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर है चपुरसन वैली। ये बहुत ही खूबसूरत वैली है। और ये देखें, यहाँ पे आपको चपुरसन वैली में अफ़गानिस्तान साथ लिंक करता है, और खुंजरा पास के साथ तो हमें पता ही है कि चाइना लिंक करता है, लेकिन चपुरसन वैली के साथ अफ़गानिस्तान लिंक करता है। और जो चपुरसन वैली का फेमस पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, किलिक और मंटिका पासिस जो हैं और इर्शाद पासिस जो हैं, वो यहाँ के फेमस पासिस हैं। तो चलें इसके साथ ही हम अपना खुंजरा पास का सफ़र जारी रखते हैं। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से अब हम आगे नहीं जा सकते, हमें यहीं से वापस जाना होगा। तो हमारा ये खुंजरा का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अम्यूज़र स्टूडियो की तरफ से मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ीशान अमजद। और हुंजा की एक नई एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूं बलतित फोर्ट। अगर आप हुंजा नहीं आए, आपने बलतित फोर्ट नहीं देखा, तो आपका हुंजा नामुकम्मल है। और साथ साथ मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊँगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि सर्दियों में ये नवंबर और मार्च तक खुला होता है, और इसका टाइम होता है 4 बजे तक। इस टाइम हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं, और 15 मिनट्स में हमने अंदर जाना है। तो चले आएँ आज का एपिसोड बलतित फोर्ट से शुरू करते हैं। ये यहाँ बलतित फोर्ट की यहाँ से टिकट्स लेनी पड़ती हैं, और ये टिकट दिखाइए, और ये है जी टिकट 600 रुपीज़ की, बलतित फोर्ट की एंट्री है ये। तो ये हम टिकट लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये अभी हम कड़ी मेहनत के साथ बलतित फोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रैकिंग से कम नहीं है ये पाथ। ये देख, मैं तो इन सीढ़ियों पे ही चलूँगा। जिसको प्रॉब्लम है वो सीढ़ियों पे आ जाए। ये बेचारे बेचारे गोडों बेचारे गोडों के मारे। वाकई वो देखे दीवार पकड़ के आ रहे गोडे मुक्के ने। चलें ये बलतित फोर्ट, टाइमिंग उसकी ये कम नवंबर से मार्च तक 4 बजे की बंद हो जाता है, और हमारे पास बंद हो जाती है, एंट्री 4 बजे बंद हो जाती है। और ये इसकी टिकट हमने ली ये वाली, ठीक है। चलो भाई कदम बढ़ाए चलो साथी हो। और ये यहाँ से व्यू चेक करें, अमेजिंग व्यू है। और वो पॉइंट आपको जो सामने नज़र आ रहा है, ये हूपर ग्लेशियर है, दूसरी साइड से ये बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। तो चलें सफ़र जारी रखते हैं। हाँ जी, ये यहाँ की आगे मेन एंट्रेंस बलतित फोर्ट की। भाई ये एक ना हम आए थे, वो भी है इंग्लिश बाकी नीचे से। इधर एंट्री, इधर आराम से आ जाओ, 10 मिनट बाद आपको अंदर ले जाएंगे। क्यों क्या हुआ? आप लेट हो रहे हैं, आप लेट कह रहे हैं, रेस्ट कर लो आपको 10 मिनट। तो इधर कर लेते हैं ना रेस्ट, टेंशन दे देंगे। ये तो ले लिया, जहां मर्जी इधर रेस्ट करो, सांस बहाल करो। हां वो ठीक है, वो ठीक है।
सांस वाली बात ठीक है, हमने आपकी फायदा की बात की है। नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अभी यहाँ से जल्दी जल्दी आए हैं, एंट्री होगी बल्टी फोर्ट की। बात भाई क्या हाल है, ठीक हो? ये अब क्या करेंगे, ये टिकट्स के कीमत वाला खाना निकाल लेंगे, खुद रख लेंगे आप, और ये बाकी आपका पोस्ट कार्ड, ये हमारा पोस्ट कार्ड है बल्टी फोर्ट का। तो चलें जी, बल्टी फोर्ट की एंट्री यहाँ से ही है, यहाँ से तो चलें आए जी, बल्टी फोर्ट की एंट्री लेते हैं हम। चलें जी, आ जाएं जी सारे पीछे। ओके, अपने सर का ख्याल रखें, मिंटू से टीचर का। वाह, ये है बल्टी फोर्ट की एंट्री। ये है जी बल्टी फोर्ट की एंट्री। यहाँ पे हम सतह समंदर से 8,300 फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चित्राल, हुंजा, नगेर, गिलगित बल्तिस्तान, ये माजी में छोटी छोटी स्टेट्स थी, रियासतें थी। हुंजा में दो कदीम किले हैं, इस किले का नाम किला बल्तित है, और इसकी उम्र लेबॉर्टरी टेस्ट, जिसको रेडियो कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, उसके हिसाब से तकरीबन 800 साल इसकी उम्र हो रही है। अभी जितनी भी टूरिस्ट आते हैं, डोमेस्टिक या फॉरेनर्स, हम आपसे जो टिकट्स लेते हैं, इसके ज़रिए इसकी अखराजात पूरी होती हैं। आप सब का आने का बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम ख्वातीन हजरात। हमारे कदमों के नीचे ये जो दरियाँ बिछी हैं, ये बकरे की बालों की बनी हैं। ये एरिया जो है, इस किले का इस्तकबालिया है, जहाँ पे भाई खड़े हैं उनके नीचे जी ज़मीन के अंदर गल्ले के गोदाम हैं, आपके कदमों के नीचे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो माजी में गंदम, मकई वगैरह यहाँ पे स्टोर किया जाता था। आप देख सकते हैं, यहाँ से देखें जी, ये तकरीबन 10-11 फुट गहरा है, और सीढ़ी की मदद से एक बंदे नीचे चले जाते थे, रस्सी बांध के गंदम बाहर ले आते थे। ये किले की फाउंडेशंस की दीवारें हैं। मैं यहाँ से आगे बढ़ने वाला हूँ, आप पहले ख्वातीन को मौका दें, मेरी आपसे गुजारिश है, इस तरह हम फिर दीवार के पीछे से आगे गुजरेंगे। शुक्रिया। तो मेहमानों ने बोली, अब इस किले की दो दीवारें हैं, आप देखिए, एक बाहर वाली दीवार है, एक अंदर वाली दीवार है, दरमियान से राहदारी है, मैं आगे गुजरूंगा, आप मेरे पीछे तशरीफ लाएं। शुक्रिया। पहला जो शोकेस है, इसमें रेशमी चोगा है, जिसको किमखाब कहते हैं। पहले ये रेशमी कपड़ा माजी में सेंट्रल एशिया से और चाइना से यहाँ आती थी, चित्राल से लेकर गिलगित तक, और कॉटन का जो कपड़ा था वो भी चीन या सेंट्रल एशिया से मिलता था। हमारे आबा अजदाद ऊनी कपड़े बनाते थे, वो आगे जो ऊन के चोगे हैं ना, वो बेड की ऊन से खुद ही बनाते थे, चूँकि यहाँ पर कॉटन या सिल्क पैदावार नहीं होता था। मेरे पीछे जो कालीन है, ये समरकंद बुखारा की कदीम कालीनों में से एक है। माजी में जो सिल्क रूट गुजरती थी हुंजा वैली के थ्रू, तो इस तरह की कालीने लोग वहाँ से घोड़ों पे, खच्चरों पे लाद के लाते थे, और सिल्क का सामान ज़्यादा था। वो फिर आगे गिलगित, गिलगित से फिर अस्तोर वैली के रास्ते कश्मीर और इंडिया तक जाता था इस रास्ते से। अभी जी ये मुख्तलिफ बर्तन हैं, पीतल और तांबे की बर्तन हैं, पत्थर की हांडियाँ हैं, इसके अलावा ये सारा ज़्यादातर लकड़ी का सामान है। आगे ये जो मशकीज़ा है, ये बकरे की खाल का बना हुआ है, लोग माजी में इसमें लस्सी भी बनाते थे, और कहीं जाना हो तो पानी उठा के चलते थे इसमें। ठीक है जी, वो मदानी है, ये कद्दू के खोल हैं,
ये हावन दस्ते हैं जिनमें बादाम अखरोट कूटी जाती थी, उनसे पानी सॉरी तेल निकालते थे खाना बनाने के लिए। इसके बाद अभी हम ऊपर फ्लोर में जाएंगे, नीचे आप लोगों ने किचन वगैरह सारा देख लिया, अभी फर्स्ट फ्लोर में हम जा रहे हैं। इस वक्त शाही रॉयल टेरेस पे खड़े हैं वादी के चारों तरफ, और मेरे दाएं हाथ पे ये पहाड़ी बकरे हैं जी, जिनके सींग लगे हैं, इनको मारखोर और आइबेक्स कहते हैं। ये खुंजराब की जो हमारी नेशनल पार्क है वहाँ पर पाई जाती है। और मेरे बाएँ हाथ पे जी ये पोलो की स्टिक्स हैं जिनकी मदद से पोलो खेला जाता है। तो पोलो का खेल असल में इसका जो वतन है ईरान है। आज से 3-4 हज़ार साल पहले ईरान में बादशाहों का खेल था, ईरानियों के ज़रिए समरकंद बुखारा आया, फिर वहाँ से मुग़लों के साथ इंडिया पहुँच गया, तुर्कों के साथ मुग़लों के साथ, वहाँ से फिर यूरोपियंस अंग्रेज़ यूरोप में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अभी भी इसकी पोलो की जो टीमें हैं स्पॉन्सर्ड वो गिलगित और चित्राल में मौजूद, उनके दरमियान खेलों का मुकाबला भी होता है। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम बल्तित फोर्ट, आपने देखा होगा कि कितना ज़बरदस्त बल्तित फोर्ट है, सारी हिस्ट्री गाइड ने हमें बताई। तो जो आखिरी काम है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये अपना नाम लिखना और अपनी सिटी का नाम और डेट, ताकि हमारे बच्चे हैं उनके बच्चों के बच्चे भी आके देख सकें हमारा नाम। तो चलें यहाँ पे अपना नाम मैं करता हूं। नोटबुक बची तो तब तक नोटबुक बची है तो अच्छा ये देखें फैसलाबाद फैसलाबाद। जी व्यूअर्स, जी व्यूअर्स, ये मैंने गवाही दे दी है कि मैं बल्तित फोर्ट आया बल्तित फोर्ट से बाहर आ चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ताले लग रहे हैं। आना तो नहीं चाहते थे बाहर, लेकिन इन्होंने कहा चलो अपने अपने कार, टिकट तो पैसे पूरे हो गए तो चलें जी अभी हम बल्तित फोर्ट से नीचे जाने लगे। नीचे जाके सनसेट का व्यू देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और उमदा है। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड बल्तित फोर्ट की, उम्मीद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस एपिसोड के लास्ट में मैं आपको छोटा सा एक सरप्राइज़ दूंगा जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आज की एपिसोड इस बल्तित फोर्ट की जो मशहूर यहाँ की तोप है जिलजिला बोस, इससे ख़त्म करते हैं। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है, तो वो सरप्राइज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे मिले हैं, ये भी एक टूर के साथ आए हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, तो भाई के चैनल को जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें अमेज़ स्टूडियो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह, और आगे भी ये टूर करेंगे।
बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो कैसा रहा मेरा सरप्राइज? मुकल्लफ भाई हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह हम आगे भी इनके साथ ही चलेंगे, पूरा हुंजा देखेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, एम्यूज़र स्टूडियो की तरफ से मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ीशान अमजद, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त और एक थोड़ी सी मुख्तलिफ एपिसोड। मुख्तलिफ इस लिहाज से क्योंकि आज हम जाएंगे नलतर वैली में दो लेक्स देखने, एक ब्लू लेक और एक सतरंगी लेक। ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं गर्मियों में क्योंकि ये लश ग्रीन होते हैं और लेक्स भरी होती हैं, लेकिन हम देखने आए हैं विंटर में क्योंकि विंटर में भी ये लेक्स देखनी चाहिए। और चले आएँ आज की नलतर वैली की एपिसोड शुरू करते हैं और नलतर वैली जाके लेक्स देखते हैं। चले आएँ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ये लैंड स्लाइडिंग नलतर वैली पे हुई है जिसकी वजह से ये रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है और वो उधर से पत्थर घोंक रहे हैं। और ये अब देखें रोड सारा वो रोड ब्लॉक हो चुका है। तो अभी ये सारे यहाँ से रास्ता साफ कर लें ताकि हमारी जो जीप्स हैं वो निकल सकें, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं। होपफुली हमें जल्दी रास्ता मिल जाएगा और हम नलतर वैली टाइम पर पहुंच सकेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, हमें मगरिब हो जाएगी। और आज का जो नलतर वैली में हमारा पॉइंट होगा वो होगा सतरंगी लेक, जिसको ग्रीन लेक भी कहते हैं और ब्लू लेक भी कहते हैं। तो काफ़ी रास्ता उन्होंने साफ कर दिया है, तो चले आएँ अपना सफ़र आगे को जारी रखते हैं। ये देखो चलो भाई, वाह वाह वाह, तालियां देख अपने अपने लिए। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम नलतर वैली से होते हुए दो लेक्स देखने हैं। जो सबसे पहले लेक पे हम आए हैं वो है ब्लू लेक, लेकिन ये जो ब्लू लेक है इसने तो कुछ सीन ही बदल दिए हैं। जो पहले लेक थी, जो पहले मैंने देखी तो बिल्कुल ब्लू कलर की होती और फुल थी, यहाँ पर बोटिंग भी होती थी, लेकिन अब जो लेक है इसका सीन ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पानी इसका क्रिस्टल क्लियर हो गया लेकिन जो इसका कलर है वो भी चेंज हो चुका है और पानी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो काफ़ी मायूसी हुई मुझे यहाँ पर लेकिन आकर। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर इर्द गिर्द का व्यू देखें आप, ये सारी यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, स्नो पड़ी हुई है और उसका मज़ा ही और है। इस टाइम यहाँ पर -2 टेम्परेचर है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर ये टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद हम नीचे एक और लेक है सतरंगी लेक, वो देखने जाएंगे। तो चलें पहले इसको ब्लू लेक को देखते हैं, उसके बाद आगे सतरंगी लेक देखने चलते हैं। देखें इसका क्या हाल हुआ बेचारी लेक का, इसका पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, बहुत कम पानी इसका रह चुका है। मैं बहुत
ज़्यादा बल्कि हैरान हूँ। ये जहाँ पे आप जी देख रहे हैं, ये दरख्त के पास इस लेक का पानी शुरू होता था, और वो देखें बोट पड़ी है, यहाँ पर बोटिंग भी हुआ करती थी। और अभी तो लेक का बहुत ज़्यादा कम पानी हो गया, बहुत ही कम पानी हो गया। यहाँ पर कहते हैं कि लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से इस लेक का पानी बहुत कम हो चुका है, और यहाँ पर एक और आगे छोटी सी लेक बन चुकी है, तो बहुत ही कम हो चुका पानी इसका। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा मुझे, मैं आया कुछ था देखने के लिए, लेकिन आगे जाके मुझे कुछ और मिला। और इस लेक का पानी का कलर भी है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया, ये बिल्कुल ब्लू लेक थी। तो एंजॉय कर रहे हैं हम, बर्फ़ पड़ी हुई है। गर्मियों में इस लेक को देखने का अपना मज़ा है, और सर्दियों में इस लेक को देखने का अपना ही मज़ा है। ये देखें इस टाइम ब्लू लेक के सीन, स्नो पड़ी हुई है यहाँ पर, और लेक जो आहिस्ता आहिस्ता जमनी शुरू हो रही है। वाह, क्या ज़बरदस्त एनवायरनमेंट और क्या ज़बरदस्त सीन, और खामोशी और सर्दी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर। जी व्यूअर्स, ब्लू लेक पे इस टाइम देखें काफ़ी रश हो चुका है, एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी लोग। और इसके बाद अभी हम निकलने लगे हैं सतरंगी लेक के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, और अभी हम चलते हैं सतरंगी लेक की तरफ। तो चले हैं सतरंगी लेक की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम लोग सतरंगी लेक पर पहुंच चुके हैं। पहले हमने ब्लू लेक देखी, और अभी हम सतरंगी लेक देखने आए हैं। ग्रीन लेक, सतरंगी लेक इसको कहते हैं। ये अभी भी बहुत खूबसूरत लेक है, यहाँ पर बोटिंग होती है, लेकिन अभी इसका सीज़न बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। काफ़ी लोग इधर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है। अभी तकरीबन आधे घंटे बाद मगरिब हो जानी है, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग नीचे जाएँ, लेक देखें, और जल्द से जल्द यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे। पहला जो मेरा विज़िट था वो था जून जुलाई में, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। दोनों लेक्स, ब्लू लेक्स और सतरंगी लेक में पानी होता है, लेकिन अब जो मेरा विज़िट है, मेरे सामने जो बर्फ़ के ढके पहाड़ हैं, और ये जो लेक का पानी कम है, एक तरफ अच्छा है, एक तरफ थोड़ा सा मैं मायूस हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा कम है, और एक तरफ ये बर्फ़ से ढके पहाड़ बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दे रहे हैं। तो नीचे चलते हैं लेक की तरफ, और उसके बाद यहाँ पर जाके लेक का व्यू देखते हैं। तो चले आए नीचे लेक की तरफ चलते हैं। वाओ, जिससे मर्जी खींच दे, अगर कैमरे से कैमरा दे दो। वाओ, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत लेक है। फ्लैश बंद कर दी। वो वहाँ पर जहाँ पर वहाँ से यहाँ तक बिल्कुल लेक भरी होती है, और दूसरी तरफ से ये पानी आता है, दूसरी तरफ सिर्फ ये पानी आता है। और इस टाइम मौसम देख लें कि शदीद सर्द हो चुका है, और स्नो फॉलिंग यहाँ पर दो दिन पहले हुई है, शदीद स्नो फॉलिंग, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ हो चुकी है। और फिर भी ये लेक अभी भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, नलतर वैली बर्फ में ढकी हुई जन्नत है। शान भाई, बहुत ही खूबसूरत है ये देखें। वाह, जबरदस्त। नलतर वैली की जो खूबसूरती है वो ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, और ये जो इसकी लेक्स हैं, ब्लू लेक्स और सतरंगी लेक, ये बहुत ही खूबसूरत लेक हैं। आउट ऑफ द सीज़न हम लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ की जो स्नो फॉलिंग होती है इस विंटर के सीज़न को भी एंजॉय करने आते हैं, कुछ लोग समर के सीज़न को, स्प्रिंग के सीज़न को भी एंजॉय करने आते हैं। लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ, मिड ऑफ जून जुलाई, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, ये लेक्स पूरी भरी होती हैं, लश ग्रीन यहाँ की एनवायरनमेंट होती है, पहाड़ जो होते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर बोटिंग भी होती है, और बहुत अच्छा मतलब के माहौल होता है यहाँ पर, सीन्स यहाँ के बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो मुझे आप बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलें आज की वीडियो के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।